नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल यूपी 40 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कुमैल अब्बास। गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करने बहराइच पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अखिलेश यादव पर करारा वार किया। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव तो आतंकवादियों के संरक्षक रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करने के सवाल पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि टारगेट करने का कोई विषय नहीं है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव पहले भी एक आतंकवादी को संरक्षण देने का प्रयास किया था जिसे फांसी की सजा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मामले पर गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र है, इसी लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देने का सबका अधिकार है, लेकिन आज जिस तरह किया जा रहा है वो सही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप देख ही रहे हैं कि टारगेट करने की विषय नहीं है, जो लोग पत्थर चला रहे हैं उसको आप वायलेंस में जुड़ा हुआ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जो लोग पत्थर चला रहे हैं उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव जी ने पहले भी एक, आपको याद होगा, एक आतंकवादी को संरक्षण देने का प्रयास किया था, बाद में न्यायालय से उसको फांसी की सजा हुई है। तो अब वो किसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों सिफारिश कर रहे हैं, ये उनका विषय है। क्योंकि मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है इसलिए मैं उस पर वक्तव्य भी नहीं देना चाहता, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि जो भी व्यक्ति कानून के विरोध में काम करेगा, जो संविधान और कानून का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सरकार की प्रतिबद्धता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लोग लेकर के काफी उपद्रव कर रहे हैं, अक्सर हर जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देने का, करने का सबका अधिकार है। सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो सबके विरुद्ध होती है, हम जाति और धर्म।